रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। डर नहीं खेला कर। अब डर लगी तो दिल्ली से तेजपुर आई थी सर। भाई हम सीएम ना खाली सीएम के मुहर है, हटा दे अपने बाप के रास्ते से। 24 घंटा के अंदर हम आई तोरे अड्डा में। तेजस्वी के सामने ब्लैक स्टार के लोग टिक नहीं पाए। वाकई में तेजस्वी प्रताप सिंह ने थारू पल्ला को चैलेंज देकर यह साबित किया है कि वो वर्दी वाले नहीं, हीरो वर्दी वाले। अब देखना यह है कि तेजस्वी प्रताप सिंह अपने 24 घंटों के इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। तोरा के पटक पटक के मारा। उड़ा उड़ा जल्दी कर जल्दी कर। अरे उठावा ना उसा बोने से कचरा उठाओ जल्दी कुर्सी उठाओ 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 इधर सामने वाला उठाओ। एगो बात पूछी। पूछो। सर पागलपंती और हीरोपंती में का अंतर होला? उतने अंतर होला जितना कटला और भोंकला के बीच में होला। सर हम समझनी ना। अरे वो हमनी के मारे आयल रहते सर, हमनी पे गोली चलते, देवाल पे नानु गोली चलते सर। मतलब हम बकलोल बहादुर ना है कि जानबूझ के आग में कूद जाए। हमारा बहुत बढ़िया से पता बा कौन बम फूटी या कौन बम ना फूटी। सर 24 घंटा में थारू पल्ला के ओकरा बस्ती में जाके मारे के चैलेंज के लिए बनी ओकर का हुई? आप ही हमनी के कैसन आदेश दे देनी कि वो एसपी के हमनी के कुछ ना कह सकी ने, जबकि आपके अच्छी तरह से पता बा कि वो हमनी के आदमीन का का हाल बना दिले बा। हमरा लाख कहला के बाद भी वो विधायक और रंगनाथ का हिम्मत ना भइल कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए ले। ब्लैक स्टार पब्लिक में दहशत कायम करे में हमनी के सालन लग गई और वो पुलिस वाला एक झटका में सारी दहशत खत्म कर दिए। आज वो पब्लिक के बीच में हीरो बन गई बा। आखिर हमनी के वो पुलिस वाले के का ना मार सकीले? तेजस्वी के केहू कुछो न करी ओसे हमार बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा होके वाला बा। तेजस्वी हमार वो काम करी जो केहू ना कर पाइलस। ब्लैक स्टार जौन आदमी हमनी के जड़ खोदा था आप ओके कहता नहीं कि हमनी के पौधा में पानी डाली? थारू तेजस्वी तोहरे सोच से बहुत दूर बा। जौन दिखाई देता सोचा ना, और वैसे भी रेगिस्तान के तपती धूप में कभी कभी रेत भी पानी के भ्रम पैदा कर देला। हमनी के रिश्ता के शायद यह तकदीर लिखल बा, मिलला के बाद भी जुदाई। ना नैना ऐसा ना होई। हमनी के जितना सहे के रहे सह ले नहीं जा। अब कानूनी तौर पे हमनी के एक होके से क्यों ना रोक पाई। हेलो हेलो आप ठीक तो बानी ना? देखी हमरे के बहुत घबराहट हो रहल बा और अम्मा बापू जी भी बहुत परेशान हो रहल बा। ना जा आई टीवी पे का खबर दिखा रहल बा। अब पुलिस ऑफिसर बानी तो हमरे बारे में ऐसा खबर आईबे न करी। देखी ये ब्लैक स्टार ना बहुत खतरनाक आदमी बा, प्लीज ओकरा से आप दुश्मनी मत ली प्लीज। और कुछ? ओ माई बाबू के ध्यान रखिया। हाँ मगर हमें
बता। बहू। जी बाबूजी। कहाँ है बेटा? जी। बाबूजी, ये हमरा से बात भी ना कर चाहेलन। ऐसा लगेला जैसे ये रिश्ता उनके ऊपर एको बहुत बड़ा बोझ बा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोनो बात नहीं है। अपना काम में होई ना, यही से। ना बाबूजी, ये आज की बात नहीं है। जब से शादी भइल बा, तब से हम देखा था नहीं। वो हमरा से दूरे दूरे रहेलन। ना ना बेटा, ऐसा कोनो बात नहीं है। तू चिंता मत करा। अरे हम तो हर सब मांगे, सब ठीक हो जाए। आदमी जब दो औरत के चक्कर में पड़ेगा तो ओकर जिंदगी झंड हो जाला। एक तरफ जिम्मेदारी निभावे तो दूसरी तरफ प्यार बचा। जे हमेशा लोग के आंख में आंख डाल के बात कहले बा, वो नजर झुका के अच्छा नहीं खे लागत। एमे हमनी के कोनो दोष नहीं खे। ई तो सब तकदीर के खेल। हमनी के तो कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरा से बहुत प्यार करत रहनी। लेकिन पापा पापा हमार शादी के वो और से करा देलन ताकि पार्टी के फंड मिल सके। और जब अपना पापा और भैया से अपन मन के बात कहनी कि हमार पति रोज दारू पी के हमके मारेला, हमरे सामने दूसरा लड़की के साथे हमरे ही बिस्तर पर, जब ये सबसे तंग आके मीडिया के पास जाए के कहनी, तब पार्टी और घर के इज्जत बचावे खातिर हमार तलाक करा दिया गई। हम तो वही समय जयदेव से अपने प्यार के बारे में बतावल चाहत रही, लेकिन तुम ही हमके मना कर दे लो। हाँ, हम ही मना कर ले रहनी कि तोरा प्यार में हम अपन जान दे सके नहीं। लेकिन अगर तोरा ऊपर एक खरोच भी लागल तो ही हमसे बर्दाश्त ना हो। अरे तेरा से कुछ जरूरी क्या भाई? बाहर का दरवाजा खोल के अंदर का दरवाजा बंद करके क्या करा था? भीतर बायोलॉजी के क्लास चलाता का कि जीवन के उत्पत्ति कैसे भइल? अरे यार हमके बतौले रहता तो हम अपन फार्म हाउस में एक्सपेरिमेंट खातिर एगो लेबोरेटरी बनवा दिले रहती। चल कोनो बात नहीं। अरे चला ना बैठा हम आवता नहीं। बस डिस्टर्ब ना कर, बस तोहर दो मिनट चाहिए। बाहर बैठा ना हम आवता नहीं, अभी बात कर ले। ओके पहले हमार समस्या सॉल्व कर, फिर बाद में अपन काम में लग गया। ठीक बा चला। भैया रुका, हम आवता नहीं। अरे उन्हें कहा जागा तारे आ घट गई। देख भाई जो ना कुछ घट रहा ना ओकर देख कर तो हमार हिम्मत एकदम बढ़ गई। तो हारू एक्शन हीरो वाला वीडियो देख के हमके तो पूरा भरोसा हो गई। लाइक स्टार के नी भी ला सकेला, वो कुछ कर सकेला। तू हमके भी पावर दिला सकेला जोना के सपना हम शुरू से देखा था नहीं। मतलब देख भाई तू तो जाना था कि हमार बाप हमारे रास्ते में रोड़ा ना एगो पहाड़ बन के सामने खड़ा बा। कुल पावर उनकर ही हाथ में बा, हम तो बस खाली वो कठपुतली बनकर रह गए बानी। प्लीज तू हमारे जिंदगी के मांझी बन जा यार, करा दे बेड़ा पार हमार, हटा दे पहाड़ के रास्ता से। ठीक ठीक हम सोचा था। ठीक बात, चल बैठ के सोचा जा। यार कबार में बैठवा तो कहां से दिमाग चली, तुझे हम सोच के बताई। ठीक बा हम जाते नहीं, पर जाए से पहले एक और बात कह के बा।
तू अपन सूझबूझ से ना बहुत आगे जा सकेला, ऐसे एनर्जी वेस्ट मत करा। समझ गई? ठीक। का खेल खेले तारा तू लोग? और भैया पापा के कहां रास्ता से हटावल चाहता रे? ये खेल ही उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करी। हाँ लेकिन पापा। घबरा मत, तोरे पापा को कुछ ना हो। जैसे विकास के खातिर फैक्ट्री के कुछ पुरान मशीन के बदले के पड़ेला, वैसे ही तोरे पापा के अब राजनीति से भी श्राम लेवे के पड़ी। सत्ता जब जयदेव के हाथ में पूरी तरह से आई, तब ओकरे साथ मिल के करब हम ब्लैक स्टार के सफाया, और तब जाके बदली उत्तर प्रदेश के तकदीर और तस्वीर। हमरा पे भरोसा बा ना? भरोसा तो पूरा बा, लेकिन मन में डर भी लगा था। हमनी के प्यार कहीं राजनीति के भेंट ना चढ़ जाए। एक बार पहले भी तो ऐसा हो चुका था। ना हुई, तब हम मजबूर रहने, लेकिन अब हम मजबूर नहीं के, अपने प्यार के खातिर अब हम कुछ भी कर सके नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश में सरकार से लेके जनता तक सबकर फटल रहे। जनता इंतजार करते रहे, सरकारी तंत्र सोचत रहे, और थारू पल्ला परेशान रहे कि अगला 24 घंटा में का होखे वाला रहे। 24 घंटा के अंदर हम आई तोरे अड्डा पे, और ही तोरे आदमियन के सामने तोरा के पटक पटक के मारा, क्यों हमार कुछ ना उखाड़ी। और हम ये सोचत रहनी कि जयदेव मिश्रा के जन जागरण पार्टी का अध्यक्ष कैसे बनाई। स्वागतम 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 स्वागतम। अच्छा तो ये सब तुहार खेला है? साले तुहार वर्दी उतार देवे। हमार वर्दी उतारे से पहले और देह के चमड़ी उतर जाई। मतलब हम ऐसे भी बोल सकत रहनी है, लेकिन ना, हम तो यहाँ तो लोग दोस्ती करे खातिर बुलाइले। अगर एक एक आदमी के बतावे जाती बहुत टाइम लगत, यही से सबके इकट्ठा कर लेंगे। एसपी, औकात में रह के बात कर। तुझ जैसे पुलिस वाले ना हमारे न्यूज चैनल पे ना डेली सुबह शाम सलामी ठोकते हैं। धन्यवाद, हमारा औकात बतावे खातिर धन्यवाद, लेकिन जौन पुलिस वाला सलामी ठोकेला उहे पुलिस वाला आदमी भी ठोकेला। का मतलब? मतलब पुलिस के सलामी ठोकले के साथ साथ पुलिस वाला के अपराधी के भी ठोके के अधिकार होला। ब्लैक स्टार के आदमी तू यहाँ कैसे घुस गईले? ये झूठ है, लेकिन एक हम सच साबित कर दे। तू हमरे ऊपर गोली चलाईला, और आत्मरक्षा में हम तोरे ऊपर गोली चला देनी।
ए भाई ये खून उन देखल हमके अच्छा ना लगे ला। ले जा इनके हटावा यहाँ से उठावा हटावा। तो माननीय विधायक और मंत्री जी लोग आप लोग के यह बतावे के रहे आज से नारायण मिश्रा के जी हुजूरी बंद और हम चाहता नहीं कि तू सब लोग जयदेव मिश्रा के साथ दा। ए! हम कोनो छोट मोट नेता नहीं थे मंत्री है मंत्री तू हमार कुछ नहीं बिगाड़ सकेला हम तोरे धमकी से डरे वाला नहीं थे। मंत्री जी जो ना जमीन पे तोहार मॉल बना था वो जमीन के मालिक कहाँ गए? वही मॉल में दफन हो गए। ये दफन के लिए सीओ बताओ कि पड़ी अब जयदेव मिश्रा के जे साथ ना दे ओकर अंजाम तो देख ले लो लोग और जे साथ दे ही ओकर इनाम भी देख ले लो। आवा लो आवा देख लो यही देखा अब फैसला तू लोग के हाथ में बा पर समस्या यहाँ ई काम में हमार बाऊजी हमार साथ कबू ना दिए काहे से ई ब्लैक स्टार उनकरा लिए बहुत बड़ मुद्दा राजनीतिक करे खातिर इसलिए हमके आप सबके साथ चाहिए ई ब्लैक स्टार के प्रदेश से उखाड़ फेंके खातिर। और ब्लैक स्टार के खात्मा के बाद जयदेव के धाक सीधा सेंटर तक फिर सीएम ना सीधा पीएम की तैयारी शुरू तब का सोचे तारा लोग मंजूर बा मंजूर तो हमारा नेता कैसा हो जयदेव मिश्रा कैसा हो अभी अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार जन जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नारायण मिश्रा को हटा दिया गया और सर्वसम्मति से जयदेव मिश्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। सलूट तो सरकार की मारा जाला सर चौबीस घंटा के अंदर हम आए तोरे अड्डा पे। तो ये सब तेजस्वी का चाल है तेजस्वी ये तो ठीक ना कहला।